ये है आम जिंदगी, ये है गेम बॉय की जिंदगी। सॉरी, ओवर हो गया थोड़ा। तो गाइस आज हम सुनने वाले हैं, सेटअप टूर करने वाले हैं, एंड ये रहा मेरा सेटअप टूर। सो आप लोग देख लिए ना, तो चलिए भाई पहले फुर्सत पे निकलो, चलो तुम लोग सब। अरे रुको 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 चचा रुको, अभी तो यार वीडियो बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो आप लोग को बहुत कुछ देखने का है। एंड सबसे पहले बोलना चाहता हूँ कि यार अगर आपको सेटअप टूर देखना है ना, तो शुरू से लेकर ना अंत तक जरूर देखना, बहुत कुछ पता चलने वाला है। एंड मैं डिटेल में अपना स्पेसिफिकेशन बताऊंगा, एंड उसके वीडियो चलेंगे जो मैं अपना खुद अपने पीसी अपना पीसी मैंने खुद बिल्ड किया है। सो मैं बताते जाऊंगा कि हाँ मैंने क्या क्या चीज अपने पीसी स्पेसिफिकेशन में रखा हुआ है, क्या क्या चीज मैंने यूज किया हुआ है, एंड डुअल मॉनिटर सेटअप भी किया हूं, तो वो भी सब चीज दिखलाने वाला हूं। सो शुरू से लेके अंत तक बिना स्किप किए पॉपकॉर्न लेके बैठ जाना, पानी लेके बैठ जाना, बीच में उठना नहीं है तुम लोग को। तो पहले देख लेना सब चीज, फिर तुम लोग जो बोलना है कमेंट बॉक्स पे जरूर तुम मेंशन करना कैसा लगा मेरा सेटअप टूर। एंड एम है बोल सकते हैं 500 लाइक्स के इस वीडियो पे अगर आ गया ना, तो बहुत कुछ और रिवील करने वाला हूं, मैं बता नहीं सकता मैं क्या चीज है, बट 500 लाइक्स आ जाते हैं ना, फिर वो बहुत धीरे धीरे करके सब चीज की वीडियो डालेंगे। शुरू करते हैं यार, ज्यादा लंबा नहीं कर रहा मैं वीडियो को, ज्यादा बोल रहा हूँ मैं, सॉरी। जल्दी से हम स्टार्ट कर लेते हैं, स्किप मत करना पहले बोल दिया मैं, नहीं तो मजा बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। फ्रेंड सबसे पहले हम मदरबोर्ड से स्टार्ट करते हैं, जो मैंने चूज किया है वो गेमिंग मदरबोर्ड है, प्राइम B450ME। एंड फ्रेंड यहाँ पर जितने भी मैं प्रोडक्ट्स यूज किया हूँ उसका मैं लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा अमेज़न का, तो आप उसे चेकआउट भी कर सकते हैं। सो यार इस वाले मदरबोर्ड पे मेरे को मिला है 4 रैम स्लॉट। याद रखना आप गेमिंग के लिए कभी भी यूज करोगे ना, गेमिंग मदरबोर्ड खरीदोगे ना, तो उसमें ये देखना कि एंड वहां पर रैम के लिए 2 स्लॉट बस मत रहे, वहां पे कम से कम एटलीस्ट 4 स्लॉट रहे, ताकि आपको फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम ना हो। एंड यहां पर इस वाले मदरबोर्ड में जो मैंने परचेस किया है, इसमें मेरे को मिला है M.2 स्लॉट SSD का, मतलब कि मैं M.2 वाला SSD इसमें यूज कर सकता हूं। एंड सिर्फ इसमें एक कमी हो गई है, इसमें ये RGB नहीं है। तो यार मेरे को RGB मदरबोर्ड से कोई मतलब नहीं था भाई, मेरे को एक गेमिंग मदरबोर्ड चाहिए था, सस्ता सुंदर टिकाऊ। एंड मैं ये बोल सकता हूँ कि यार इसका जो प्राइस था ना बहुत ज्यादा अच्छा है, जो मेरे को जिस प्राइस रेंज में मेरे को ये मिला है, ये मदरबोर्ड लगभग मेरे को 5,593 रुपीज में मिला है। एंड इसका मैं अमेजोन का लिंक डाल दूंगा एक बार, उसमें भी आप रेट चेक कर सकते हो, प्राइस चेक कर सकते हो। ये मैंने अपने ऑफलाइन से खरीदा है, मैं बताते जाऊंगा कि कौन कौन सी चीजें मैं ऑनलाइन से खरीदा हूँ, कौन कौन सी चीजें मैंने ऑफलाइन से खरीदा हुआ। एंड ये आसूस का मदरबोर्ड है, मैंने इसका कवर ही दिखलाया था आपको, तो वहां पर लिखा हुआ है, पढ़ सकते पूरा डिटेल्स। ओके गाइज, एंड गाइज अब हम बात कर लेते हैं प्रोसेसर के बारे में। सो मैंने परचेस किया प्रोसेसर AMD का Ryzen 5 2600। एंड इसमें फ्रेंड आपको जो CPU कोर्स रहते हैं वो 6 हैं, एंड इसके जो CPU थ्रेड्स है वो 12 हैं, एंड बेस क्लॉक जो है 3.5 GHz का है, एंड इसका मैक्सिमम बूस्ट क्लॉक है 3.9 GHz का, जब आप ओवरक्लॉक कर लेंगे तब वो 3.9 GHz का हो जाएगा। एंड फ्रेंड ये मेरे को प्राइस पड़ा था लगभग 16,200 रुपए का, 16,200 का। बट फ्रेंड अभी आप अगर इसका रेट चेक करोगे ना, प्राइस चेक करोगे, तो बहुत ज्यादा कम हो चुका है। तो फ्रेंड इसका लिंक भी मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, सो आप चेकआउट कर लीजिए। एंड फ्रेंड हम बात कर लेते हैं रैम का, जो मैंने रैम यूज किया है वो कोरसेयर का DDR4 वेंजेंस LPX 3000 MHz का है। एंड मैंने यहाँ पर 2 स्टिक परचेज किया है 8 GB के, मतलब कि फ्रेंड 16 GB का रैम। एंड फ्रेंड इसका मेरे को जो प्राइस पड़ा था वो 8000 का था, मतलब कि एक स्टिक मेरा 4000 का था, तो मैंने 2 लिया है तो मेरे को ये 8000 पड़ा। एंड इसको भी मैंने ऑफलाइन परचेज किया है, एंड अपने प्रोसेसर को भी मैंने ऑफलाइन परचेस किया है, मैंने वो बताना भूल गया था। एंड फ्रेंड हम बात कर लेते हैं अपना SSD के बारे में एंड HDD के बारे में। सो मेरे पास जो ये SSD आप देख रहे हैं, ये M.2 SSD है 120 GB का, एंड बाजू पे आप जो देख रहे हैं वो 4 TB का है मेरा HDD। एंड मेरे पास 1 TB और 1 TB, मतलब कि 2 SSD और है एक्स्ट्रा 1 TB के और 1 TB के, एंड एक और SSD है वो है कोरसेयर का, एंड वो भी 120 GB का ही SSD है। एंड फ्रेंड मैंने ये जो भी SSD यूज किया है ना, ये WD का है, ब्लू वाला,
सो ये सबसे अच्छा रहता है मेरे लिए, तो सबसे अच्छा यही था तो मैंने यही परचेस कर लिया है। एंड फ्रेंड अगर आप SSD की बात करेंगे M.2 की, तो इसका जो प्राइस था ये फ्रेंड 2000 का था। एंड ये मेरा 4 TB जो HDD है, हार्ड डिस्क है, ये मेरे को पड़ा था 8000 का। और फ्रेंड मेरे को 1 TB का जो HDD पड़ा था, हार्ड डिस्क पड़ा था, वो था 3000 का। एंड मेरे को कोर्सेयर का जो SSD था वो पड़ा था मेरे को 1500 रुपीज का। एंड फ्रेंड हम अभी बात कर लेते हैं पावर सप्लाई का। मैंने पावर सप्लाई परचेस किया है कोर्सेयर का 550 वॉट। एंड फ्रेंड मेरे को इसका प्राइस पड़ा था 3500 का। एंड फ्रेंड अब हम बात कर लेते हैं अपने ग्राफिक कार्ड का। तो मैंने परचेस किया है जोटेक का GTX 1660 Ti 6GB GDDR6। सो फ्रेंड इसका प्राइस मुझे पड़ा 24,000 रुपीज का। फ्रेंड अब हम बात कर लेते हैं हमारे गेमिंग कैबिनेट का। जो मैंने परचेस किया है ये सर्कल गेमिंग इन्फरनोवा जेड गेमिंग वाइट ब्लू ATX मिड टावर केस है। एंड ये व्हाइट कलर में मैंने परचेस किया है। एंड इसका प्राइस मुझे पड़ा है समथिंग 8,300 रुपीज का। एंड फ्रेंड इसको मैंने ऑनलाइन परचेस किया है। एंड फ्रेंड ये फुल्ली RGB है। एंड फ्रेंड इसके फ्रंट पे दो फैन हैं, एंड ऊपर साइड पे आपको दिखेंगे दो फैन, एंड बैक साइड पे आपको इसमें एक फैन दिखेगा। इसमें टोटल जो है वो 5 फैंस लगे हुए हैं, और इसमें जो फैंस है RGB वाले वो प्री इंस्टॉल आते हैं। फ्रेंड ये मेरा हेडफोन है रेड गेयर का Cosmos 7.1 USB गेमिंग हेडफोन्स एंड LED इफेक्ट के साथ में। एंड फ्रेंड इसके साथ ये माइक आता है। सो ये जो रिकॉर्ड करने लायक, मतलब अगर आपको सजेस्ट करना चाहूँगा ना, तो ये माइक सबसे बेस्ट है। ये मेरे को प्राइस में पड़ा था 1,899 रुपये। एंड यार ये मैं हर एक गेमिंग जो करता है उस बंदे को सजेस्ट करूंगा, क्योंकि ये जबरदस्त माइक है। इसका माइक भी बहुत जबरदस्त है, एंड जो क्वालिटी है हेडफोन का मेरे को बहुत अच्छा लगा। अगर आप कोई सस्ता सस्ता हेडफोन देख रहे हो गेमिंग वाला, तो आप ये परचेस कर सकते हो रेड गियर का Cosmos 7.1। फ्रेंड मैं यूज करता हूँ कीबोर्ड एंड माउस में रेड गियर का मानता MT21 गेमिंग कीबोर्ड माउस कॉम्बो। या बड़ी मैं इसको कॉम्बो में लिया था, मतलब कि इसके साथ मेरे को दोनों चीज मिले थे, कीबोर्ड भी मिला था एंड माउस भी मिला था। और ये मेरे को अराउंड लगभग पड़ा था 1,699 रुपये में। फ्रेंड ये जो मेरा हेडफोन और कीबोर्ड एंड माउस है ना, इसको मैंने मंगाया था अमेजोन से। एंड इसमें 3 इफेक्ट है, मतलब कि इसमें 3 कलर है। ये RGB फुल्ली नहीं है, ये 3 कलर के साथ में आता है। और फ्रेंड मैं गेमिंग कंट्रोल में यूज करता हूँ कॉस्मिक बाइट का वायरलेस PC कंट्रोलर। एंड फ्रेंड ये मुझे अराउंड 1,400 रुपये में पड़ा, वायरलेस है। एंड आप मेरा जो फर्स्ट मॉनिटर देखते हैं जिसमें मैं गेमिंग करता हूँ, ये बहुत पहले ले चुका हूँ मैं। और फ्रेंड यहाँ पर जो आप मॉनिटर देख रहे हैं, मेरा मेन मॉनिटर सैमसंग का है। एंड ये मुझे 8,000 रुपये में कुछ पड़ा, जिसमें मैं गेमिंग करता हूँ। 1080p मॉनिटर है एंड ये 60Hz का है। गाइज आप ये जो बाजू पे देख रहे, जो साइड पे देख रहे, जो छोटा सा मॉनिटर है, इसमें आप लोगों के चैट्स पढ़ता हूँ मैं। एंड ये अराउंड मेरे को पड़ा था 2500 रुपये में, Secure Eye का है। एंड ये जो आप माइक देख रहे हैं ना, ये है BM800। एंड मैंने जब खरीदा था BM800 को, तो मैंने 2500 रुपये में खरीदा था, मतलब कि 2500 रुपये में खरीदा था। सो अगर आप स्ट्रीमिंग करना चाहते हो तो रेड गियर के Cosmos 7.1 से भी आप कर सकते हो। मैं पहले उसी से ही करता था, बट ये मेरे पास पहले से ही है BM800, तो मैंने इसको ही लगा लिया। अगर खाली अगर आप माइक देख रहे हो तो BM800 बेस्ट है गाइस। अभी अगर मैं देख रहा हूँ तो इसका रेट बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। सो लगभग ये 1500 या 1200 के लगभग अराउंड में आपको पड़ जाएगा BM800। अब फ्रेंड यहाँ पर आपको पूरे कंपोनेंट्स का पता चल गया है, तो हम जल्दी से इसका बिल्ड चालू कर लेते हैं। एंड फ्रेंड इसमें मैं आपको वॉइस ओवर करके नहीं बताऊंगा, यहाँ पर स्पीड लैप्स चलेंगे, मतलब कि आपको जल्दी से यहाँ पर मैं आपको बिल्ड करके दिखला देता हूँ। Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out
the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो फाइनली गाइस यहां पर मैं अपना जो बिल्ड है वो कंप्लीट कर चुका है एंड अब यहां पर मैं अपना विंडो से इंस्टॉल करूंगा एंड मैंने विंडोज 10 64 बिट चूज किया है क्योंकि वो बेस्ट है. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? Inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. अब फ्रेंड यहाँ पर मेरे को लगभग मेरा जो विंडोज है इंस्टॉल होने में कम से कम 2 से 3 घंटे का टाइम लगा. तो फ्रेंड इंस्टॉल होने के बाद मेरा पीसी यहाँ पर कुछ इस तरह का सेटअप हुआ. यहाँ पर मेरा सिंगल मॉनिटर है बट अभी आप देखने वाले हो मेरा डबल मॉनिटर सेटअप जो कि मेरा गेमिंग सेटअप है अभी इस वक्त. एंड यहाँ पर मैं अपना आपको ये भी बताऊंगा कि मैं अपना फेस कैम कैसे यहाँ पर लगाता हूँ, मैं फेस कैम कैसे यूज करता हूँ यहाँ पर. मतलब कि फ्रेंड जो मैं लाइव स्ट्रीम के टाइम में जो फेस कैम यूज करता हूँ ना वो मैं कैसे करता हूँ यहाँ पर आपको पता चल जाएगा. वो थोड़ा खतरनाक तरीका है मेरा फेस कैम यूज करने का क्योंकि मेरे पास वेब कैम नहीं है तो मैं अपने मोबाइल को फेस कैम की तरह यूज करता हूँ. सो गाइज 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 ये है मेरा फाइनल सेटअप. सो यहां पर अभी मैं फेस कैम ऐड नहीं किया हूं, अभी ये देख लो मेरा फाइनल सेटअप तो ये है. It's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. बट जब मैं फेस कैम यूज करता हूं मतलब जब मैं लाइव स्ट्रीम करता हूं तो कुछ इस तरीके खतरनाक तरीके का मेरे यहां पर सेटअप हो जाता है. सो यार मेरे को करना पड़ेगा क्योंकि यार वेबकैम लेने के लिए मेरे पास उतने पैसे नहीं है. सो फ्यूचर में आप लोगों के डोनेशन से अगर आई होप मेरा मोनेटाइजेशन हो जाए ऑन तो फिर डोनेशन से वगैरह जो भी मेरे को परचेज मतलब जो भी मेरे को अर्न होगा उससे मैं अपने स्ट्रीमिंग क्वालिटी को और अच्छा करूंगा. और अच्छा नहीं यार बहुत ज्यादा अच्छा करने वाला हूं मैं और भी. तो प्लीज यार इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए. एंड इस वीडियो में 500 का हम लाइक का एम रख चुके हैं सो उसको पूरा करना मत भूलना. तो फ्रेंड आप मेरे गेमिंग सेटअप का जो मेरा फुल्ली जो मेरा मॉनिटर से लेके पूरा कीबोर्ड से लेके पूरा सीपीयू पूरा जो कॉस्ट है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मुझे कितना लगा. फ्रेंड ये मैंने जो पीसी बिल किया था वो लगभग 1 साल हो चुके हैं तो मैं ये श्योरली बोल सकता हूँ कि आप जब मेरे जैसा अगर सेम अगर आप पीसी बिल करेंगे तो आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा, मतलब कि मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ेगा. Just tripping on day, dreams got
dirty little lullabies playing on repeat. Might as well just ride around the nursery and So, मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही धासु वीडियोस के साथ में. तब तक के लिए बाय बाय. जय हिंद, वंदे मातरम.